हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर बाय नीतू मैम। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में इंसर्ट मेनू का यूज़ क्या होता है और कैसे होता है। इससे पहले हम लोगों ने होम मेनू देख लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट मेनू में सबसे पहला पेज आता है हमारा पेज का ऑप्शन, जिसमें पेज में तीन टाइप्स का पेज है, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। तो चलिए हम लोग देखते हैं कवर पेज का यूज़ क्या होता है। कवर पेज, जैसे हम लोग कोई नॉर्मल पेज यूज़ करते हैं उससे पहले क्या होता है, तो एक कवर पेज होता है। जैसे हम लोग नोटबुक या बुक यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो भी कंटेंट होता है उससे पहला हमारा क्या होता है, तो एक आपका हार्ड कॉपी होता है, जो नॉर्मल पेज से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक उसी तरह से हम लोग को यहाँ पर भी जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं उससे थोड़ा सा हाईलाइटेड हमारा कवर पेज बनता है। तो कवर पेज पे हम लोग को क्लिक करना है, जिसमें आप लोग को डिफरेंट टाइप्स का कवर पेज बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। आप इसमें से जो भी चूज करना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं। यहाँ से हम ये चूज कर रहे हैं। उसके बाद कवर पेज में ऊपर देखिएगा कि बहुत सा हेडिंग्स लिखा हुआ रहता है, टाइटल रहता है या फिर कोई कंटेंट रहता है, तो जो भी आपको टाइप करना है आप उसमें टाइप कर सकते हैं। साइज बड़ा कर लीजिए, बोल्ड। अगर आप कोई भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो होम मेनू में आकर इसको फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, आप जो भी रखना चाहते हैं वो अपने अनुसार आप रख सकते हैं। अगर आप इसका फॉन्ट वगैरह कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं और इसका फॉन्ट का कलर चेंज कर रहे हैं, रेड रख लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, हाईलाइट दिखेगा। अब क्या है ईयर, तो यहाँ ईयर आपको यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए डेट के साथ दिखा रहा है टूडे का, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे टाइप द कंपनी नेम फिर से पूछ रहा है, तो आप जो भी रखना चाहते हैं। यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है तो फिर आप वो भी डाल सकते हैं। ये हमारा बन चुका है कवर पेज। आप जिस तरह का फॉर्मेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ये हम नॉर्मल आप लोगों के लिए बता रहे हैं। आप जिस तरह का डिजाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपका इसमें डायरेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर कुछ आप अलग से भी यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ब्लैंक पेज का। तो जैसे देखिए कि यहाँ पे अभी ऑप्शन हमारा हाईलाइट नहीं है, क्योंकि ये जो कवर पेज में हम लोग हैं ये शेप के अंदर है, तो हम लोग को पेज पे क्लिक करना है, तो ब्लैंक पेज हमारा हाईलाइट हो गया। अब ब्लैंक पेज पे क्लिक करना है, तो ये देखिए हमारे सामने क्या हो चुका है, तो एक नया पेज और क्रिएट हो चुका है। पता कैसे चलेगा, तो जैसे ही आप स्टेटस बार में आइएगा, ये देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, तो पेज 2 of 3, यानी पेज हमारे पास टोटल कितना है, तो 3 है, पेज 3 of 3। फर्स्ट हमारा कवर पेज, सेकंड ब्लैंक है और थर्ड भी ब्लैंक है। उसके बाद का ऑप्शन है पेज ब्रेक, तो पेज ब्रेक से हम लोग क्या करते हैं, तो पेज को ब्रेक करते हैं। ये पेज को आपका क्या कर दिया है, तो एक और पेज नया क्रिएट कर दिया है, तो पेज 4 of 4 अभी हमारे पास 4 हो चुका है। जैसे ही हम लोग को बैक जाना है तो बैक स्पेस प्रेस कीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, तो रिमूव हो जाएगा। अभी देखिए हमारे सामने सिर्फ एक कवर पेज है, एंटर प्रेस कीजिएगा या फिर आप ब्लैंक पेज पे क्लिक कर लीजिए, ये पेज हमारा क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का है टेबल का, तो टेबल में हम लोग सबसे पहले क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि 10x8 टेबल हमारे सामने शो करता है, यानी 10 और 8 कॉलम, 10 रो 8 कॉलम जो भी है यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, तो शो हो रहा है। अगर आप इससे ज्यादा लेना चाहते हैं तो इंसर्ट टेबल में आइए, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ कॉलम, सबसे पहले पूछ रहा है टेबल साइज, टेबल साइज के अंदर ही आपका पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, कितना कॉलम आप लेना चाहते हैं और कितना रो। तो आपको जितना भी लेना है आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ओके करना है। ये देखिए आपका डायरेक्ट क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। बैक जाते हैं हम लोग,
फिर से इंसर्ट मेनू में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, ड्रा टेबल। तो ड्रा टेबल हमारा कोई टेबल के अंदर ही यूज होता है, जैसे यहाँ पे 1 by 1 सेल बनाते हैं हम लोग, ये देखिए सिंगल है। अभी इसमें हम कुछ टेक्स्ट लिखे, अब क्या है कि इस टेक्स्ट के बाद फिर से हमको दूसरे कॉलम में लिखना है, तो हमें फिर से इंसर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग इंसर्ट मेनू में आएंगे, टेबल पे आएंगे और ड्रा टेबल लेंगे, जहाँ पर भी हमें ड्रा करना है वहाँ पे इसको क्या कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे। ये आपका डिजाइन मेनू ऑटोमेटिक ओपन आ जाता है, जिसमें आपका ड्रा टेबल ऑप्शन अवेलेबल है, इस पर क्लिक कर दीजिए। आप इसमें जो टाइप करना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं, अगर और चाहिए तो फिर से आप इसमें इंटर प्रेस कीजिए, साइज इसका बड़ा हो चुका है। ड्रा टेबल लेना है और इसको क्या करना है, तो इसमें ऐड कर लेना है। उसी तरीके से आप जितना भी ऐड करना चाहते हैं कहीं पर भी आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अब हम लोग ड्रा टेबल रिमूव कर देना है, इंसर्ट मेनू में आना है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये बोल क्या रहा है, तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल यानी टेक्स्ट को आपका कन्वर्ट करेगा किस चीज़ में, टेबल में। तो जैसे हम लोग को कोई भी नाम को टेबल में लिखना था और डायरेक्ट हम लोग टाइप कर चुके हैं, तो हम लोग उसको रिमूव करके टेबल में ना लिख करके डायरेक्ट उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर नहीं तो मैम, अलग अलग सारा है। अब इसको क्या करना है, तो सिलेक्ट करना है, टेबल पे आना है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए कि जितना आपका पैराग्राफ है उतना रो आपका ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। अब कॉलम आपको खुद से टाइप करना है, आपको एक कॉलम रखना है, दो रखना है, तीन रखना है, तो यहाँ पे हमको एक ही चाहिए तो एक रहने देते हैं, ओके करते हैं। ये देखिए आपका सारा को क्या कर दिया, तो टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, तो एक्सेल स्प्रेडशीट। जैसे ही हम लोग कोई भी फॉर्मूला एमएस वर्ड में सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि एड मल्टीप्लाई जो भी नॉर्मल है वो हो जाता है, लेकिन बड़ा फॉर्मूला हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हेल्प ले सकते हैं। जैसे कोई भी डेटा को एमएस वर्ड में रखना है और उसको कैलकुलेट भी करना है, तो आप वर्ड में भी रख सकते हैं और एक्सेल में कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को एक्सेल स्प्रेडशीट में आना है, और यहाँ पे देखिए कि हमारा डायरेक्ट एक्सेल क्या हो चुका है, तो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा एक्सेल ओपन है, अब आप यहाँ पे जो भी फॉर्मेट कीजिएगा वो आपका एक्सेल का अप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ से हम इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, ऑटो सम पे आते हैं, मैक्सिमम, ये हमारा एक्सेल का फंक्शन हो गया। अब हम लोग को एक बार बाहर क्लिक कर देना है, तो ये हमारा वर्ड का फंक्शन में आ गया है। तो किसी भी तरीके से हम लोग हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन क्या है, क्विक टेबल। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कैलेंडर को इंसर्ट कर सकते हैं, आप जो भी इसमें लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपका शो कर जाएगा, अगर आपको नहीं रखना है तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, ये यूज के अनुसार है, अगर आपको जरूरत है तो यूज कीजिए, नहीं है तो फिर मत कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, पिक्चर का। तो पिक्चर का यूज क्या होता है, तो किसी भी लोकेशन में हमारा कोई भी इमेज सेव है उसको डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए, तो हम लोग को पिक्चर पे क्लिक करना है। अब आपका पिक्चर कहाँ पे सेव है, ये देखिए डाउनलोड पिक्चर, इसमें ऑटोमेटिक पहले से सेव हो, और इसमें हमारा देखिए जैसे ही कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर आप पिक्चर ऑप्शन को खोलते हैं तो ये हमारा कहाँ जाता है, तो पिक्चर में ही जाता है, यानी ये जो लोकेशन है पिक्चर का इसी में सेव होता है। अगर आपको और कोई लोकेशन में सेव है उससे ओपन करना है, तो फिर आपको लोकेशन याद रखना पड़ेगा, वहां से चूज करना पड़ेगा। जैसे कुछ फोटो हमारा डेस्कटॉप पे है, तो यहाँ से हमको पहले डेस्कटॉप चूज करना है। अब इसमें आइए, तो आपका जो भी फोटो है वो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, तो फाइंड कर सकते हैं। जैसे न्यू फोल्डर में आते हैं, यहाँ पर भी कुछ इमेज है, आप जिसको भी ओपन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बैकग्राउंड में देखिए, तो जो भी आप रखना चाहते हैं आसानी से रख सकते हैं, जैसे यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड ले ले रहे हैं। ये हो गया, ये डायरेक्ट हमारा क्या हो चुका, इंसर्ट हो चुका। अब इसको कहीं पर भी मूव कीजिएगा तो नहीं होगा। अब मूव करने के लिए हम लोग को क्या करना है, देखिए जैसे हम लोग पिक्चर इंसर्ट किए हैं तो हम लोग जंप कर गए हैं फॉर्मेट मेनू में। फॉर्मेट मेनू में टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन आपका शो करेगा, इसमें आना और हम लोग को करना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो आपका किसी भी फॉर्मेट को क्या करता है, तो फ्रंट पे कर देता है, जहां से आप मूव भी कर सकते हैं, साइज को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब इसको क्या करना है, तो आप जिस रिप्लेसमेंट में करना चाहते हैं, जिस तरीके से इसको यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये तो हो गया। अब यहाँ पे पिक्चर में एक चीज और आता है,
कि अगर पिक्चर हम लोग को शेप में इंसर्ट करना हो तो कैसे करें। तो जैसे देखिए यहाँ पे शेप्स लेते हैं और यहाँ पे एक पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, तो शेप बन चुका है। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पिक्चर को इंसर्ट करके इसमें मूव भी कर सकते हैं, यही लोग करते भी हैं, लेकिन ये गलत तरीका है, वो आपका परफेक्ट नहीं होगा। इसमें हम लोग को करना क्या है, तो राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट ऑटो शेप में आना है और यहाँ से फेल इफेक्ट में आना है। अब इसमें पिक्चर को ऑप्शन है, पिक्चर चूज कीजिए, यहाँ से सिलेक्ट पिक्चर। अब आपको जो पिक्चर भी रखना है उसको आप इंसर्ट कर लीजिए। ओके ओके, ये देखिए एकदम आपका ऑटो फिट हो चुका है, इसमें फिक्स हो चुका है, शेप और पिक्चर दोनों ज्वाइंट है, अलग अलग नहीं है। उसके बाद का ऑप्शन हमारा क्या है, तो क्लिप आर्ट है। क्लिप आर्ट का भी यूज होता है किसी इमेज को इंसर्ट करने में, तो चलिए देखते हैं। क्लिप आर्ट पे क्लिक कीजिएगा तो जैसे ही आपका राइट साइड में एक सर्च फॉर ऑप्शन आ जाएगा क्लिप बोर्ड का, आपको जिस चीज का इमेज चाहिए आप इसमें सर्च कर लीजिए। जैसे हमें यहाँ पे कार का इमेज चाहिए, कार लिखकर आप गो कीजिएगा तो आपका इसमें अगर पिक्चर रहेगा तो शो कर जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो देखिए क्या बताता है। जैसे यहाँ पे हमें बस चाहिए, बस लिखकर गो किए आ गया। और कुछ देखते हैं, लाइव नहीं है, तो नहीं है तो क्या बता रहा है, नो रिजल्ट फॉन्ट, यानी नहीं है। अब यहाँ से जो आप सर्च किए उसको मूव करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, ये हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, तो इंसर्ट हो जाएगा पेज में। अब इसको भी टेक्स्ट रैपिंग से इन फ्रंट कर लेना और आप जहाँ पर भी यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा हो गया क्लिप आर्ट का यूज़। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, शेप्स। तो शेप्स से हम लोग डिफरेंट ऐप्स का शेप्स जो भी है उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहते हैं किसी भी शेप को आप, अगर उसका पॉइंटर है तो आप वहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। ये देखिए जिस तरीके से आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट हमारा क्या है, तो एक ग्राफिक्स डिजाइन है जो किसी भी टेक्स्ट को डायग्राम में शो करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम लोग कोई भी चीज को प्रेजेंट करते हैं तो वो डायरेक्ट टेक्स्ट में ना करके प्रेजेंटेशन में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसका लुक क्या हो जाता है, तो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट को टेक्स्ट में ना लिख करके स्मार्ट आर्ट के डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं ताकि देखने वाला को ज्यादा अच्छा लगे। तो चलिए यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करना, ये आपका बहुत सारा ऑप्शन इसमें खुल जाएगा, आप सारे में जाकर चेक कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे ऑल पे क्लिक है तो इसमें आपको सारा फाइंड हो जाएगा, आपको जो भी लेना है वो आप चूज कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ से चूज कर लिए। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए आपको ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको जो भी टाइप करना है वो आप टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर आइएगा डिजाइन मेनू, यहाँ पे आपका डायरेक्ट जंप है, तो चेंज कलर पे आना और यहाँ पे हम लोग को कलर चेंज करना। उसके बाद यहाँ पे आइएगा तो स्टाइल आपका आ जाएगा इफेक्ट में। देखिए आपका इफेक्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो आप जिस इफेक्ट में इसको रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। देखिए कि डायरेक्ट लिखा हुआ टेक्स्ट है, ये जो स्मार्ट आर्ट का डायग्राम होता है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन यूज करते हैं इंसर्ट मेनू का। नेक्स्ट क्या है, चार्ट। तो चार्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स का टेम्पलेट्स खुल जाता है जिसमें हम लोग कोई भी एक कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, जो भी आप यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक कॉलम ले रहे हैं, ओके कर रहे हैं। देखिए जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, तो चार्ट को ओपन करते हैं तो हमारा डायरेक्ट क्या होता है, तो एप्लीकेशन जंप कर जाता है एक्सेल में। क्यों कर जाता है, तो चार्ट का काम ही होता है किसी भी डेटा को चार्ट के रूप में कन्वर्ट करना। तो डेटा हमारा ऑलरेडी कहाँ होता है, तो एक्सेल में होता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ डेटा क्रिएट करते हैं, जैसे किसी का नाम, उसके बाद क्या है, तो सब्जेक्ट रख लेते हैं, उसके बाद आप मार्क्स दे दीजिए जो भी आप डालना चाहते हैं, अपने अनुसार एक छोटा सा डेटा को कैलकुलेट कर लेना है और कुछ नहीं करना। ये देखिए आप जैसे ही यहाँ पे काम कर रहे हैं आपका डेटा वहां पे क्या हो रहा है, तो क्रिएट हो रहा है। करता क्या है,
उसके बाद इसको क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे आइए, तो देखिए ये जो आपका ग्रीन कलर दिखा रहा है वो इंग्लिश का है, उसके बाद रेड जो है वो साइंस का है, ब्लू जो है वो मैथ का है। अब यहाँ पे आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि सबसे हाईलाइटेड यानी सबसे बड़ा कौन है, अंकित। तो अंकित का आप साइज देख सकते हैं, यहाँ पे आपका सारा कुछ क्या कर रहा है तो शो कर रहा है। अब यहाँ पे ऊपर आपका क्या है, तो डिजाइन मेन्यू में हम लोग जंप है, जैसे ही इस पे आइएगा तो आप यहाँ से इसका जो भी इफेक्ट है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब जिस इफेक्ट में रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ये देखिए चार्ट का ऑप्शन भी हम लोग का क्लियर हो गया, इसको रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक का यूज होता है किसी एक फाइल से दूसरे फाइल को लिंक करने के लिए। तो एक तो हमारा फाइल यानी डॉक्यूमेंट ओपन है, अगर इसको हम लोग सेव करते हैं तो फाइल ही बन जाता है, और दूसरा जो फाइल हमारा सेव है इस फाइल से हम लोग को लिंक करना है, यानी बहुत सारा फाइल है जिसमें से हम लोग को क्या करना है, तो एक फाइल में सारे फाइल को लिंक करना है। प्रॉफिट क्या होता है, जैसे आपके पास 50 फाइल है, 50 फाइल को आप डेस्कटॉप पे नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपका स्क्रीन फुल हो जाएगा, तो आप उसको किसी भी लोकेशन में सेव कर लीजिए और एक फाइल को आप डेस्कटॉप पे रख लीजिए और उसमें सारे फाइल को लिंक कर लीजिए। जैसे ही आप एक फाइल खोलिएगा तो आप वहाँ से सारे फाइल में आसानी से जंप कर सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं, हाइपरलिंक पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जैसे ही हाइपरलिंक पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा फाइल चूज करने का। अब यहाँ पे फाइल आपका चूज कहाँ से होता है, तो ये डायरेक्ट आपका जो ऑटो फिट लोकेशन आता है वो कहाँ से आता है, तो माई डॉक्यूमेंट से आता है। तो याद रहे आपका जो फाइल है ज़्यादा परफेक्ट होगा कि माई डॉक्यूमेंट में ही सेव कीजिए। तो यहाँ से हम कोई भी एक फाइल ले रहे हैं, ओके कर रहे हैं। ये देखिए हमारा लिंक हो चुका है, जैसे ही आपका ब्लू कलर हो जाए लिंक हो चुका है। अब इसको पता कैसे चलेगा कि लिंक हुआ है या नहीं, तो ओपन करके देखते हैं। ओपन कैसे करना है, कंट्रोल बटन को होल्ड करना है और माउस से लेफ्ट बटन से क्लिक करना है। ये देखिए आपका यस या नो करने का आपका नोटिस आ जाएगा, यहाँ से हम लोग को यस करना है। ये देखिए हमारा फाइल क्या हो चुका है, तो खुल चुका है। उसी तरीके से आप दूसरे फाइल को भी लिंक कर सकते हैं, हाइपरलिंक पे आना है और दूसरा फाइल को लिंक करना है। ये देखिए लिंक हो चुका है, कंट्रोल बटन को होल्ड करना है, माउस से क्लिक करना है, यस करना है। ये फाइल भी क्या हो गया, ओपन हो गया। ये दोनों तो वर्ड का फाइल है, अब एक्सेल का फाइल करके देखते हैं होता है या नहीं। तो हाइपरलिंक पे आना है, अब यहाँ पे देखिए कि W लिखा हुआ है तो वर्ड का है, और एक यहाँ पे X लिखा हुआ है तो यानी एक्सेल का है। तो यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड डायरेक्ट भी लिखा हुआ है, ओके कीजिए। अब कंट्रोल बटन को होल्ड कीजिए, माउस से लेफ्ट क्लिक कीजिए, यस कीजिए। क्या हो गया है, तो एक्सेल का फाइल भी हमारे सामने ओपन हो चुका है। देख सकते हैं कि हम लोग एक एप्लीकेशन से अनदर एप्लीकेशन का फाइल भी लिंक करके जंप कर सकते हैं। तो बहुत आसानी तरीके से आप फाइल को फाइंड भी कर सकते हैं इसके जरिए। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं, तीन फाइल हमारा लिंक हो चुका है। अब आगे हम लोग आगे का ऑप्शन देखते हैं, इसको तब तक रिमूव करते हैं। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट हम लोग को चाहिए तो इक्वल रैंड से ओपन कर लेते हैं। उसके बाद का ऑप्शन क्या है, बुकमार्क। तो बुकमार्क का यूज होता है किसी भी प्लेस पे अगर हम लोग को कोई भी चीज को रिपीट करना है, यानी यहाँ पे देखिए कि डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे लुक को हटा देते हैं, हमें नहीं पता कि डॉक्यूमेंट के बाद क्या लिखना है। तो हम चाहते हैं कि हमारा आगे का जो कैरेक्टर है या टेक्स्ट है हम उसको टाइप करते जाए, और यहाँ पे हम लोग एक ऐसा चीज को ऐड कर दे कि हम लोग डायरेक्ट जंप कर जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि एक पेज में हम लोग को टाइपिंग के लिए मतलब कंटेंट नहीं होता है, तो उसकी वजह से हम लोग को वेट करना पड़ता है। तो वेट करने का कोई जरूरत नहीं, आप वहाँ पे बुकमार्क ऐड करके नेक्स्ट पेज में टाइपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बुकमार्क पे हम लोग को क्लिक करना है, बुकमार्क नेम क्या रखना है, तो डॉक्यूमेंट रखना है, क्योंकि हमारा लास्ट टेस्ट है जो डॉक्यूमेंट ही है। ऐड पे क्लिक करना है, ये हमारा ऐड हो चुका है। अब आप कहीं पर भी रहिए, कोई पेज में रहिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बुकमार्क से आना है और डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना, और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तो मूव करना है। तो गो टू पे क्लिक करना है, देखिए हमारा कर्सर डायरेक्ट क्या हो चुका है, तो मूव हो चुका है। तो बहुत ही आपका यूजफुल ऑप्शन है अगर आप यूज करते हैं तो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का यूज कुछ ज़्यादा ही होता है, इसीलिए हम आशा करेंगे कि इसका अलग से वीडियो बनाने का। तो चलिए अभी इसको रखते हैं वेटिंग में। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, हेडर का। तो हेडर पे क्लिक करते हैं। हेडर का यूज होता है किसी भी पेज में हेडिंग बनाने में। जैसे हम लोग नोटबुक कॉपी यूज करते हैं, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ होता है, डेट और पेज नंबर।
तो क्या कॉपी को क्रिएट करने वाला हर पेज में लिखता होगा? नहीं, वो एक पेज में बनाता और हर पेज में क्या कर देता है, तो ऐड कर देता है। किसके जरिए? तो हेडर के जरिए। तो चलिए हम लोग यूज करके देखते हैं। यहाँ पे जैसे ही हेडर में आएगा तो आपको डिफरेंट टाइप्स का स्टाइल मिलेगा, आप किस टाइप्स का यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसे ही नॉर्मल ले रहे हैं ब्लैंक का। यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप हेडर यूज कीजिएगा तो आपका क्या होगा, तो डॉक्यूमेंट का जो मार्जिन होता है यानी पेज का जो मार्जिन होता है उसी में हमारा क्या लगता है, हेडर लगता है। टॉप मार्जिन में हमारा हेडर लगता है और बॉटम मार्जिन में फुटर लगता है, और डॉक्यूमेंट में हमारा डॉक्यूमेंट का काम होता है। तो यहाँ पे टाइप टेक्स्ट बोल रहा है क्या आप लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे हम कुछ भी लिख रहे हैं CMN, उसके बाद क्या कर देना है, तो क्लोज हेडर एंड फुटर, ये हमारा लग चुका है। अब हम लोग डॉक्यूमेंट में जो भी काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। या फिर ये देखिए कि सेकंड पेज में भी लग चुका है, कंट्रोल इंटर करते हैं, थर्ड पेज में भी लग चुका है। अब जितना भी पेज लीजिएगा सारा में हेडिंग आपका क्या हो जाएगा, तो क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, फुटर। तो फुटर का यूज होता है बॉटम मार्जिन में हमारा फुटर बनाने के लिए। जैसे हमारा नोटबुक में क्या होता है, तो जैसे ही बॉटम में आएगा तो टीचर सिग्नेचर पेरेंट सिग्नेचर का ऑप्शन होता है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे पेज में भी बना सकते हैं। तो क्या लगाता है, तो फुटर लगाता है जो हमारा कॉपी के बॉटम में रहता है। तो यहाँ पे हम कोई भी एक फुटर ले रहे हैं, ब्लैंक ही ले लेते हैं, और यहाँ पे सिर्फ हम सिग्नेचर ऐड कर लेते हैं, उसके बाद क्लोज कर देते हैं। अब देखिए कि जितना भी पेज है हमारे पास सारे में क्या हो चुका है, तो सिग्नेचर ऐड हो चुका है। तो हेडर फुटर का काम ही होता है, किसी भी पेज के टॉप में अगर आप हेडिंग लगाते हैं तो वो सारा में इंसर्ट हो जाएगा, अगर फुटर लगाते हैं तो बॉटम के सारा में इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, पेज नंबर का। तो पेज नंबर का यूज कहाँ होता है, तो जैसे हम लोग कोई बुक यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो नंबरिंग रहता है, ये पेज नंबर 1 है, 2 है, तो क्या उसको टाइप करता है बनाने वाला? नहीं, एक पेज में पेज नंबर लगा देता है सारा में, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, तो सेट हो जाता है। तो कैसे सेट होता है, पेज नंबर पे आना है, इसमें हम लोग को एक चीज खाली चूज करना है कि आपको टॉप में चाहिए, बॉटम में चाहिए, मार्जिन में चाहिए, करंट पोजिशन में चाहिए, मतलब आपको कहाँ पे सेट करना है। तो ज्यादा बेटर होता है कि बॉटम में रहता है, तो बॉटम में ले लेते हैं हम लोग बॉटम ऑफ पेज, और प्लेन नंबर रखते हैं, यहाँ पे 1 क्लिक करना है, क्लोज कर देना है। आप देखिए कि आप जितना भी पेज लीजिएगा सबके बॉटम में आपका पेज नंबर क्या हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपके पास 4 पेज है, चारों में पेज नंबर आपका क्या है, तो ऐड है। अब हम लोग फिर से इंसर्ट मेनू में आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, टेक्स्ट बॉक्स का। तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज होता है, जैसे कहीं पर भी हम लोग शेप लेते हैं या फिर कोई और फॉर्मेट लेते हैं, उसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट लेकर के इसमें कुछ भी टाइपिंग कर सकते हैं, शेप्स के जैसा ही होता है। और एक चीज और है कि कभी कभी हम लोग शेप से अगर फॉर्मेट क्रिएट करते हैं तो उसमें टेक्स्ट सही से ऐड नहीं हो पाता है, तो हम लोग ड्रा टेक्स्ट बॉक्स से आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो चलिए पहले हम लोग कोई एक शेप लेते हैं, चलिए कवर पेज में ही हम लोग देखते हैं, ज्यादा परफेक्ट होगा। देखिए ये, अब इसमें हमको मान के चलिए यहाँ पे कुछ ऐड करना है, तो राइट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, कुछ नहीं हो रहा, ये देखिए। तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स का हेल्प ले सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में आना है, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स में आना, और जहां पे आपको चाहिए वहां पे क्या कर लीजिए, ड्रा कर लीजिए। एमएस वर्ड, ये हो गया, आपको जो भी टाइप करना आप टाइप कर सकते हैं। आप बोलिएगा इसका जो बैकग्राउंड है वो तो वाइट हो चुका है, तो कोई टेंशन का बात नहीं, अभी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉन्ट इसका थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, ये हो चुका है। और हमारा क्या है, तो नीचे का साइज काफी ज्यादा है तो इसको छोटा कर लेते हैं। और हम लोग को फॉर्मेट मेनू में आना है, शेप फिल। अभी ये क्या है, तो एक शेप का काम कर रहा है जो फिल किया हुआ है, अब इसको हम लोग नन कर देते हैं, नो फिल। देखिए हमारा कलर में हो चुका है टेक्स्ट आउटलाइन, यानी ये ब्लैक दिख रहा है बाहर की ओर, तो इसको बोलते हैं आउटलाइन। आउटलाइन से ही समझ में आता है कि ये शेप है, वरना पता नहीं चलता है कि ये क्या है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये आउटलाइन है, जैसे देखिए बाहर क्लिक कीजिएगा तो ब्लैक लग रहा है, तो इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं। शेप आउटलाइन पे आना है, नो आउटलाइन। टेक्स्ट लिखा हुआ भी आप कहीं पर मूव भी कर सकते हैं लेकिन पता नहीं चलेगा, तो बहुत ही आपका यूजफुल ऑप्शन है।
यूज करके देखिए। सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या है, क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स का यूज क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि कोई भी एक टेक्स्ट है उसको हम लोग को बार बार क्या करना है, तो टाइप करना है, एक ही टेक्स्ट को या एक ही पैराग्राफ को बार बार कहीं पे टाइप करना है। तो बार बार टाइप करते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, या तो टाइप करते हैं या तो कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी पेस्ट में भी क्या होता है, अगर आप एक टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद दूसरे टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं तो पहले वाला रिमूव हो जाता है, फिर पेस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि जो पहले आपने किया था वो खत्म और जो अब किया है वो शुरू। तो उस परिस्थिति में हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, तो क्विक पार्ट्स का यूज कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करना है, क्विक पार्ट्स में आना है, सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक नाम दे देना है, जैसे हम ए डॉट पी दे रहे हैं, ओके करना है। अब आपको बाय द वे कहीं पर भी इसको यूज करना है, तो क्विक पार्ट्स में आना है और ये देखिए आपका डायरेक्ट एड, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, तो इंसर्ट हो जाएगा क्विक पार्ट्स। ये जो जो आप ऐड कीजिएगा वो आपका ऊपर ही शो करेगा, आप डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हैं, तो इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है, ये क्या है, तो किसी भी टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, यानी किसी भी टेक्स्ट को स्टाइल में लिखने के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मल टेक्स्ट तो हम लोग टेक्स्ट डायरेक्ट टाइप कर लेते हैं, लेकिन किसी भी तरह का अगर स्टाइल में करना हो तो वो हम लोग कहाँ से करते हैं, वर्ड आर्ट से करते हैं। ये एक प्रकार का ऐसा फीचर है जो आपको हर तरह का मॉडिफाइंग टेक्स्ट आपको प्रोवाइड करा सकता है। तो वर्ड आर्ट में आना है, यहाँ पे जैसे ही आप आइएगा तो देखिए कि आपको डिफरेंट टाइप्स का वर्ड आर्ट का स्टाइल मिल जाएगा, आपको जो भी चूज करना है वो आप चूज कर लीजिए। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट, जो डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है आपका, इसमें आपको टाइप करना है, जो भी आपको टाइप करना है वो टाइप कर लीजिए। उसके बाद फॉन्ट, तो फॉन्ट यहाँ पे आपको जो लेना है वो ले सकते हैं, यहाँ से साइज बोल्ड इटैलिक, हम ऐसे कुछ कर नहीं रहे लेकिन आप लोग करके देख लीजिएगा। ओके, ये हमारा क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। अब इसका हम लोग को साइज बड़ा करना है, ये देखिए इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये साइज तो बड़ा हो गया, आप कहीं पे आप इसको मूव करना चाहेंगे तो मूव नहीं होगा। तो मूव करने के लिए अभी हम बताएं कि फॉर्मेट मेनू में हम लोग को आना है, टेक्स्ट रैपिंग पे आना और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब इसको आप जहां पे उड़ा कर ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं, ये आपका जाएगा। उसके बाद क्या करना है, तो ये भी हमारा टेक्स्ट जो काम करता है वो सेव की तरह ही करता है, सेव फिल भी इसमें कर सकते हैं, सेव आउटलाइन भी कर सकते हैं, जो करना वो कर सकते हैं। देखिए हम लोग फॉर्मेट मेनू में जंप किए हुए हैं, सेव फिल, जैसे ही आप कलर चेंज करना चाहिएगा इजी वे में कर सकते हैं, ये देखिए सेव आउटलाइन, आप जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, आप जिस तरह का रखना चाहते हैं यहाँ पे डैशेस में आकर आपको जो रखना है वो आप यूज कर सकते हैं। इसमें एक और चीज है कि कोई भी, जैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है किसी का, अगर वो इंसान चाहता है कि इस नाम में हम अपना पिक्चर भी लगा ले तो वो भी सेट हो सकता है, कैसे, तो इस पर राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट वर्ड आर्ट में आना है, फिल इफेक्ट पिक्चर सेलेक्ट पिक्चर, अब यहाँ से पिक्चर को क्या करना है, तो इंसर्ट करना है, ओके करना है, ओके करना है। देखिए हमारा टेक्स्ट में क्या हो चुका है, तो ऐड हो चुका है पिक्चर। उसके बाद का ऑप्शन हम लोग को देखना है वो क्या है, तो ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप के यूज कहाँ पे किया जाता है, तो आप देखे होंगे कि हिंदुस्तान का जो पेपर होता है उसमें एज का साइज काफी बड़ा होता है और बाकी सब का काफी छोटा होता है, तो क्या करता है, बनाने वाला एज का साइज बड़ा कर देता है और बाकी का छोटा कर देता है, नहीं, वो फॉर्मेट सेव करता है ड्रॉप कैप का। तो जिसमें भी आपको फॉर्मेट यूज करना है पहले उस कैरेक्टर को या टेक्स्ट को आपको क्या करना है, तो सिलेक्ट करना है, तो हम लोग को फॉर्मेट सेव करना है किसमें, तो हिंदुस्तान में एच में। अगर आप नहीं भी करते हैं फिर भी वो आपका यूज हो जाएगा, क्योंकि ड्रॉप कैप में फर्स्ट कैरेक्टर ही यूज होता है बड़ा करने के लिए और बाकी सब छोटा करने के लिए। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ड्रॉप कैप पे आना है और यहाँ पे हम लोग को जो भी आपको इच्छा है वो आप ले सकते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम ड्रॉप एड ले रहे हैं, आप इसको चूज कर लीजिए। जैसे ही इसका साइज बड़ा होता है तो बाद का जो कैरेक्टर होता है या फिर टेक्स्ट होता है उसका जो अलाइनमेंट होता है वो थ्री अलाइनमेंट में डिवाइड हो जाता है, पहला आपका टॉप, मिडिल, बॉटम, तो आप इसको जहां रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तो ऊपर टॉप में था, अभी मिडिल में आ चुका है, बॉटम में, इसी स्टाइल में लिखा हुआ रहता है, बॉटम में आपका यूज रहता है बाकी का कैरेक्टर
और फर्स्ट कैरेक्टर में हमारा सेट रहता है ड्रॉप कैप, तो ड्रॉप कैप का यूज भी समझ में आप लोगों को आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन का यूज होता है किसी भी तरह का सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पे आना है, ओके करना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सजेस्ट साइनर, जिसका भी साइनर है वो आप अपना नाम डाल लीजिए। तो यहाँ पे हम नाम डाल रहे हैं, टाइटल, ईमेल आईडी। यहाँ पे देखिए कि आपका क्या हो चुका है, तो सिग्नेचर लाइन बनकर क्रिएट हो चुका है। इसको भी आप क्या कर लीजिए, तो फॉर्मेट मेनू में आइए और इसको भी आप फ्रंट कर लीजिए, टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब इसको भी आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। फिर से हम लोग को इंसर्ट मेनू में आना है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, डेट एंड टाइम का। जैसे हम लोग कहीं पर भी फॉर्मेट करते हुए रहते हैं तो क्या होता है कि डेट एंड टाइम लिखना होता है, तो डेट एंड टाइम लिख करके नहीं आप डायरेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम पे आना है, आज का जो डेट है वो आपका अवेलेबल ऊपर ही रहता है अलग अलग फॉर्मेट में। देखिए यहाँ पे आपका अलग अलग फॉर्मेट में, आप जिस फॉर्मेट में अप्लाई करना चाहते हैं, यानी टाइम के साथ करना चाहते हैं, सेकेंड आवर सारे के साथ करना चाहते हैं, या फिर आप राइट में करना चाहते हैं, आप जिस तरीके का करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज कर लीजिए, ओके कर लीजिए। ये देखिए हमारा क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या, ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का यूज होता है एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जंप करने के लिए। जैसे वर्ड में कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो अवेलेबल्स नहीं हैं, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो दूसरे एप्लीकेशन में जा सकते हैं, दूसरे एप्लीकेशन में जाकर वहाँ का फॉर्मेट को आप एमएस वर्ड में ला सकते हैं। तो कैसे ला सकते हैं, चलिए हम लोग यूज करके देखते हैं। ऑब्जेक्ट में आना, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जिस एप्लीकेशन में मूव करना है आप वहाँ पे एप्लीकेशन चूज कर लीजिए। जैसे हम लोग को लेना है माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन 3.0, क्योंकि एमएस वर्ड में इक्वेशंस का जो ऑप्शन होता है वो कम अवेलेबल्स होता है, तो चलिए हम लोग इसी को ट्राई करते हैं। यहाँ पे ओके करना है। अब यहाँ पे देखिए कि आपको जो भी लेना है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं बाई का, आप जिस तरीके से जो यूज करना चाहें कर सकते हैं। टेक्स्ट आपको टाइप कर लेना है उसी फॉर्मेट में और बाहर क्लिक कर देना है। ये आपका क्या हो गया है, तो आपका इंसर्ट हो चुका है। देखिए ये हमारा इंसर्ट हो चुका है। तो आप इसी तरीके से किसी भी एप्लीकेशन में जाकर कोई भी फॉर्मेट को आप वर्ड में ला सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, इक्वेशन का। तो इक्वेशन का देखिए यहाँ पे आपका एरिया ऑफ सर्कल में बहुत तरह का दिया हुआ है, आप जिस फॉर्मेट में आप इसको यूज करना चाहें। यहाँ से आप मैथ का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यानी टाइप कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो इंसर्ट न्यू इक्वेशन में आइए, यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे हम एक यूज करके आप लोग को बता रहे हैं, ब्रैकेट के साथ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको जो भी यूज करना है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए क्रसर आपका कहाँ है, बाहर है। अब हम लोग कहीं पर भी लिखते हैं तो ब्रैकेट में टेक्स्ट लिखाता है, तो ब्रैकेट के अंदर हम लोग को क्लिक करना है, मैट्रिक्स पे आना है और यहाँ पे 3x3 का ले लेना है। अब आप जो भी टाइप करना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं। आपका स्कूल का, कोचिंग का जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आपका इसी ऑप्शन से बनेगा, इक्वेशन से। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, सिंबल का। तो सिंबल हमारा क्या है, तो एक फॉन्ट ही रहता है, आप डिफरेंट टाइप्स का सिंबल्स इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो सिंबल पे आना है, यहाँ पे देखिए कि जो ऑप्शन आपका यूज हो चुका है वो आपका हाईलाइटेड ऊपर रहता है, और जो नहीं है उसको आप मोर सिंबल्स में जाकर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप मोर सिंबल्स में आते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का आपको फॉन्ट मिल जाता है, आपको जिस फॉन्ट में जाना है उस फॉन्ट में जाकर आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम उसी में से कुछ को इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, तो ये देखिए एरोप्लेन का है, इसको हम लोग को इंसर्ट कर लेना, क्लोज। ये आपका क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। ये बिल्कुल टेक्स्ट की तरह काम करता है क्योंकि ये एक साइन है, ये देखिए। तो आप किसी भी सिंबल्स को आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। यही भी हमारा इंसर्ट मेनू खत्म होता। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।